नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज पंजाब में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मोहाली नगर निकाय चुनाव की मतगणना आज। मोहाली में एक वार्ड पर कल पुनर्मतदान हुआ था। क्या मोहाली में कांग्रेस की प्रचंड जीत दर्ज की जाएगी? बड़ा सवाल ये आपको बता रहे जहां पर मोहाली में आज मतगणना है, वोटों की गिनती है। मोहाली के एक वार्ड पे कल पुनर्मतगणना हुई थी जहां पर लोगों द्वारा वोट डाले गए थे और आज उसकी गिनती अभी भी जारी है। तो बड़ा सवाल है कि क्या मोहाली में भी कांग्रेस को प्रचंड जीत मिलेगी। कल के चुनाव के नतीजों में हमने देखा था कि कांग्रेस प्रचंड जीत के साथ आगे आई थी और बीजेपी को मात देते हुए कांग्रेस आगे आई थी। वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण आहूजा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, मोहाली में वोटों की गिनती अभी जारी है, क्या कुछ फिलहाल अपडेट है? जी बिल्कुल, मोहाली दे विच जिहड़ी वोटां दी गिणती शुरू हो गई सी, तुहानू दस दईए कि एक वार्ड दे विच जिहड़ी गिणती हो भी चुकी है ते उस दे विच जिहड़े पहले सारे राउंड दे विच जिहड़ी कांग्रेस पार्टी दी महिला उम्मीदवार आ जिहड़ी जेतू करार दित्ती गई है ते बाकी वार्डां दी जिहड़ी गिणती जारी हैगी है। तुसीं पिछे देख सकदे हो कांग्रेस पार्टी दे जिहड़े वर्कर हैगे ने ढोल नाल पूरा इंजॉय कर रहे ने, पूरा उहनां नूं यकीन हैगा कि असीं वड्डी लीड दे नाल जित प्राप्त करांगे। बलबीर सिंह ਸਿੱਧੂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। तो मोहाली में नगर निकाय चुनाव का आज पुनर्मतदान के बाद गिनती जारी है। पहले राउंड की गिनती खत्म हो चुकी है और पहले राउंड में कांग्रेस को भारी वोटों से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बता दें मोहाली में पुनर्मतदान कल हुआ था, एक वार्ड में मतदान हुआ था जिसकी वोटों की गिनती आज जारी है। वहीं हमारा संवाददाता अरुण आहूजा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, ये बताएं कि पहले राउंड की गिनती में कांग्रेस आगे है और बात की जाए आम आदमी पार्टी और एसएडी की, तो वहां पर क्या हाल है, क्या स्थिति है उनकी? जी बिल्कुल, पांच नंबर वार्ड दे विच जिहड़ी कांग्रेस पार्टी दी जिहड़ी महिला उम्मीदवार हैगी आ, ओह वी जेतू हैगी आ, कुलजीत सिंह बेदी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने, वह भी एक वड्डी लीड के नाल जित दर्ज कर चुके ने। हुण तक जिहड़ियां दो वार्डां की गिणती हो चुकी है, दोनों वार्डां दे विच जिहड़े कांग्रेस पार्टी के जिहड़े उम्मीदवार ने, वह जेतू करार दिते गए ने। अरुण, मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का फायदा इस बार कांग्रेस को मिला है? जी बिल्कुल, असीं तुहानूं दस दईए कि जिस जगह ते असीं खड़े आ बिल्कुल इस दे बाहर जिहड़ा लगातार पिछले कई महीनों तो जिहड़ा प्रोटेस्ट इत्थे किसान मोहाली दे जिहड़े नौजवान हर वर्ग दे लोक इत्थे करदे आ रहे सी, अज दा दिन उन्होंने छुट्टी मारी हुई है, नहीं कर रहा भीड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਰੋਕ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਦਾਅਵਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 48 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਸ ਜਿਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਅਰੁਣ, ਅਬ ਤੱਕ ਕਿਤਨੇ ਸੀਟੋਂ ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਨਾ ਬਾਕੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ ਤੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਆ ਕਿਸੀ ਸੀਟ ਪੇ ਜੀਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀ ਹੈ ਯਾ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾ ਖਾਕਾ ਅਭੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁਲਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਹਜੇ।
तक की दो सीटा की जिहड़ी गिणती हो सकी है, जिस दे विच सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जिहड़े दोनों उम्मीदवार, एक महिला उम्मीदवार ते एक पुरुष उम्मीदवार दोनों जीते ने। जिहड़े कुलजीत बेदी जिहड़े उम्मीदवार सीगे वार्ड नंबर 5 तों, उह जिहड़े बलबीर सिंह सिद्धू कैबिनेट मंत्री ने, उन्हां दे खासम खास भी दसे जांदे ने, उन्हां दा इस इलैक्शन दे विच जित हासिल करना किते ना किते दसदा है कि कांग्रेस उम्मीदवार ज्यादातर जेतू रहणगे। जदों प्रचार कर रहे सी बीजेपी दे उम्मीदवार, उन्हां दा काफी विरोध भी होया सी शहर दे विच, उन्हां ते हमले भी होए सी, मारकुट दीआं घटनावां भी होईआं सी, पुलिस ने कई मामले भी दर्ज कीते सीगे, उस मामले दी जांच भी जारी है, क्योंकि उन्हां वल्लों दोष लगाए जा रहे सीगे कि सत्ताधारी धिर वल्लों उन्हां ते हमले करवाए गए सीगे। जदों कैबिनेट मंत्री नूं इस बारे पुछा गया तां उन्हां ने कहा कि सुभाविक है, सत्ताधारी जिहड़ी पार्टी हुंदी आ उस ते दोष लगणे सुभाविक हुंदे ने, परंतु बीजेपी लई उम्मीद नहीं जताई जा रही कि इत्थों दी कोई भी सीट निकल पाएगी। जी अरुण, अगर बात की जाए पुलिस और प्रशासन के इंतजाम की, तो वहाँ पे क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और मतगणना पूरे पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए क्या कुछ व्यापक इंतजाम? जी मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस वालों जिहड़े पूरे इंतजाम किए गए ने, हरेक जिहड़ा मोहाली दे विच जिहड़ा दो जगह ते जिहड़ी काउंटिंग हो रही है, पुलिस बल बात करते हैं कि पुलिस अधिकारी सतपाल जी की कहोगे तुसी अज जिहड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए ने? बिल्कुल सारे प्रबंध किए गए ने पुलिस वालों, डिपार्टमेंट वालों में किसी तरह का कोई भी खस्ता ना होने दिता जाए, तो बड़ा शांतमई ढंग नाल सारा कुछ चल रहा इस टाइम, उम्मीद करते हैं कि इसे तरह चलता रहेगा। जी तुहानू लगता है इन्हां चो कोई बाहरी जिले तो भी जिहड़ा कोई व्यक्ति इत्थे पहुंचा होएगा, कोई होल्लड़बाजी का कोई सीन तुहानू लग रहा है, इदां दा तां नहीं कुछ होएगा? फिलहाल इस तरह का कोई सीन नहीं नजर आ रहा, बिल्कुल सारा पीसफुल है, शांत मीटा। जिला पुलिस मुखी वालों की हदायत की गई है? जी उन्होंने वालों ला एंड ऑर्डर नूं मेनटेन रखने की सहायता की गई ने, हर ऑर्डर जिहड़ा मेनटेन किया। जिस दिन वोटां पै रही सीगियां कुछ बाहरी जिले के जिहड़े नौजवान भी पुलिस वालों लिया गया सी, ऐसे खुद पहुंचे सी उन्होंने कस्टडी दे रिगार्डिंग, कोई पुलिस वालों कोई जांच की गई है कि बाहरी जिले तो कोई व्यक्ति ना दाखिल होवे? साडे एरिया दे विच इहो जिहा कोई भी आंसर नहीं सी, बाकी बाहर बारे मैनूं कोई जानकारी नहीं, उहदे बारे मैं कुछ नहीं कर सकदा। जी बिल्कुल, तुसी देख सकते हो पुलिस नूं हदायत की गई सी कि बाहर जिहड़े आउट ऑफ जिहड़ा स्टेट या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोई भी व्यक्ति जिहड़ा नौजवान इत्थे दाखिल नहीं होना चाहिए, जेकर दाखिल होया तां उस खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तुहानूं दस दईए कि इस तों 1 किलोमीटर दूर भी बैरीकेड लगा के नाके लगाए गए ने, लैफ्ट साइड भी, राइट साइड भी और फ्रंट साइड भी, ते उत्थे जिहड़ी जांच की गई है हर एक व्यक्ति की, जो भी इत्थे जी बिल्कुल तमाम